हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत। हमें आशा है आप लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। अगली क्लास आप लोगों की चली थी क्या, बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। पावर पॉइंट की चली थी, ठीक, ओ लेवल के बारे में चल रहा है और पावर पॉइंट चला था। ठीक है, आज की भी क्लास का हमारा चलेगा क्या, प्रैक्टिकल चलेगा। प्रैक्टिकल के बारे में आप लोगों को हम जानकारी देंगे कैसे क्या होता है। ठीक, चलिए प्रैक्टिकल। ठीक, अगला हम लोगों का हुआ था क्या, पावर पॉइंट पे, उससे पहले हम करवा रहे थे एक्सेल पे। आज की क्लास आज लोगों आप लोगों की रहेगी क्या, वर्ड की। ठीक है, एमएस वर्ड की। ठीक, देखिए एमएस वर्ड में इसमें क्या कह रहा है, प्रैक्टिकल में ऐसे ही क्वेश्चन आया करता है और अगली बार ये क्वेश्चन आ चुका है, दो तीन बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्रिएट ए डिजाइन एडमिशन इंक्वायरी। ठीक है, आपको एक क्रिएट करना क्या, एडमिशन इंक्वायरी। जैसे हम लोग जाते हैं किसी कोचिंगों में तो वहाँ एक एडमिशन वाला फॉर्म मिलता है। ठीक है, इंक्वायरी इसको या कहिए या एडमिशन फॉर्म कहिए, मिलता है। तो उसमें हम लोग अपना नाम, बायोडाटा सब कुछ भरते हैं, फोटो लगाते हैं, कोर्स लिखते हैं, फादर नेम, मदर नेम सब कुछ लिखते हैं ना, वही चीज़ आज इसमें करना है। ठीक है, क्रिएट करना है। उसी प्रकार जो हमारा बायोडाटा हमको वहाँ इंक्वायरी एडमिशन के लिए इंक्वायरी का पेज मिलता है, ठीक, वही चीज़ हमको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, चलिए आज हम बनाते हैं उसको कि कैसे बनता है वो। ठीक, चलिए चालू करते हैं हम लोग बनाना उसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जान लीजिए कि सबसे पहले हम क्या ओपन करेंगे, बोले वर्ड ओपन करेंगे। कमेंट देते रहिए आप लोग, हंसते मुस्कुराते रहिए और कमेंट भी देते रहिए। अगली क्लास में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके, पावर पॉइंट चला था, पावर पॉइंट में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमारा क्या ओपन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या ओपन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये तो हमें आशा है और विश्वास भी है कि सब लोग ओपन कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले भी सब लोग ओपन ही कर रहे थे, बताए थे सबको कैसे क्या किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे बनाना है। सबसे पहले हमारा वहां पे क्या रहता है, ऊपर में सबसे टाइटल में क्या रहता है, बताएगा कोई, कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए। तो सब लोग एडमिशन करवाने गए होंगे एक बार कोचिंग हो, स्कूल में, सब जगह एक फॉर्म फिलअप करने के लिए मिलता है, या डॉक्टर में जाइए, डॉक्टरी में भी एक फॉर्म फिलअप करने के लिए मिलता है, तो उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा रहता है, चलिए। हाँ ठीक ठीक, देखिए सबसे ऊपर हमारा क्या लिखा रहेगा, उस स्कूल का नाम रहेगा या उस कोचिंग में जाएंगे तो कोचिंग का नाम रहेगा, यही सब क्या रहता है, लिखा रहता है। ठीक, तो अब हमको जानकारी लेना है कि कैसे बनाना है उसको, क्या करना है उसको, कैसे फिल करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू पे जाएंगे। इंसर्ट मेनू पे जाने के बाद वर्ड आर्ट दिया, क्या दिया है, वर्ड आर्ट, इस पे क्लिक करेंगे, एक अच्छा सा वर्ड आर्ट लेंगे और क्या लिखेंगे, अपने अपने कोचिंगों में या अपने स्कूलों का नाम जो भी रहेगा आप अपना अपना डालिएगा सब लोग। ठीक है, चलिए यूनिक कंप्यूटर, हमने हमने तो डाल दिया यूनिक कंप्यूटर से। ठीक, अब इसकी साइज वाइज अगर थोड़ा पतला इसको करना है तो पतला कर देते हैं और बोल्ड भी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लगे, जितना अच्छा आप लोग फील करेंगे उतना अच्छा प्रैक्टिकल वाला नंबर आप लोगों को देगा। ठीक है, कर लें। अब देखिए इसको हम कहीं पर भी ड्रैग करके नहीं रख सकते हैं, अगर इसको हमको कहीं ले जाके रखना है तो नहीं जाएगा, देखिए नहीं जा सकता कहीं पर भी ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हम टेक्स्ट व रिपिंग करेंगे, इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट व रिपिंग और क्या, स्क्वायर, टेक्स्ट व रिपिंग और स्क्वायर, क्या करना है, टेक्स्ट व रिपिंग पे जाना है, जाने के बाद स्क्वायर वाले पे क्लिक करना है। अब कहीं पर भी जाना रहेगा तो जा सकते हैं, क्या करेंगे, माउस की लेफ्ट वाली की को प्रेस करेंगे और जहां ले जाना रहेगा वहां क्या करेंगे, हम ले जाके रख सकते हैं, क्या, माउस की लेफ्ट वाली की को प्रेस करके जहां चाहेंगे वहां ले जाके रख सकते हैं। अगर कीबोर्ड के द्वारा से हम ले जाना चाहते हैं तो कैसे ले जा सकते हैं,
फोर, इसमें चार एरो की जाती है, क्या रहती है, चार एरो की दी रहती है। उस चार एरो की से हम कहाँ पे, जहां पे हमको रखना रहेगा वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ले जाके रख सकते हैं। इतना बात समझ में आया सबको, कमेंट करिए, इतना कर लेंगे कि नहीं कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। ठीक ठीक है, ठीक है, हो जाना चाहिए, हमें आशा है सब लोग ये चीज कर लेंगे। ठीक, अब इसको चलिए, इतना चीज करने के बाद देखिए साइज को इसकी बढ़ा दीजिए, इधर भी बढ़ा दिया। ठीक, थोड़ा सा इसको क्या करिए, ठीक है, करने के बाद अब इसका कलर फिल करते हैं, क्या करते हैं, कलर फिल करते हैं। तो कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर या जो भी कलर आपको अच्छा लगे। तो कलर फिल कहाँ से होगा, इसमें जाए, सेप में जाइए और कलर कर दीजिए, हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सबका, कमेंट करिए फटाफट, इतना कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे सब लोग, बहुत जल्द कमेंट करिए आप लोग। ठीक, हो जाएगा सबका ना, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या लिखा जाता है, इसके बाद लिखा जाता है कि ये कोचिंग है या स्कूल है, कहाँ पे ये बिलोंग करती है, कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है। तो चलिए दोबारा हम क्या करेंगे, वही चीज वर्ड आर्ट से इंसर्ट कराएंगे, क्या लिखेंगे, राजा, राजापुर, ठीक, राजापुर, ओके कर दीजिए। ठीक, और क्या करिए, इसको भी क्या करना है, टेक्स्ट वेरिपिंग स्क्वायर, हो जाएगा। और ये क्या रहता है, एकदम छोटा सा रहेगा, और इसमें थोड़ा सा, ठीक, लाके बीच में कर दीजिए और कलर भर दीजिए इसका, कोई भी कलर अच्छा लगे आपको, जो अच्छा लगे कलर कर दीजिए। शेपिंग आउटलाइन को भी चेंज कर दीजिए, आउटलाइन ब्लैक अच्छा है, ठीक, आउटलाइन भी हम क्या किए भर देंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके बाद भी अगर आपको नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना, तो कहाँ से करेंगे, नंबर ईमेल आईडी भी हम कहाँ से डाल सकते हैं, इंसर्ट से और वर्ड आर्ट से, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, और देखिए अगर इस टेक्स्ट में कुछ गलत है या कुछ बढ़ाना है तो क्या करेंगे, पूछ लेता प्रैक्टिकल वाला कि आप प्रैक्टिकल कि इसमें जो है एडिट करना है हमको, कुछ और बढ़ाना है तो क्या करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे, एडिट टेक्स्ट, देखिए सब लोग फॉर्मेट मेनू में हो है, क्या है, एडिट टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा आ जाएगा राजा, देखिए आ गया। और अभी इस पर हमको डालना कुछ भी, तो मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं, चलिए मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं, करके और ओके कर देते हैं, देखिए मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। चलिए एक बार और एडिट करते हैं, थोड़ा इसकी साइज जो है इसका पतला कर देते हैं, हो गया, ओके कर दें, देखिए हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए हो जाएगा सबका, इतना कमेंट करिए फटाफट, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग कमेंट करिए, मजा आ रही है कि नहीं मजा आ रही है, थम्स एक बार दिखाइए, इतना समझ में आया कि नहीं, सब लोग थम्स एक बार शो कराइए कि इतना समझ में सबको आया है कि नहीं आया, थम्स दिखाइए जल्दी जल्दी, थम्स दिखाइए इतना समझ में आया कि नहीं आप लोग। चलिए ठीक है, हमें आशा भी है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हमको क्या लेना है, एक एडमिशन फॉर्म लिखना, क्या लिखना रहेगा, एडमिशन फॉर्म, क्या, एडमिशन फॉर्म, चलिए लिखते हैं उसी प्रकार, इंसर्ट से ही मंगाते हैं, वर्ड आर्ट और इंसर्ट करा देते हैं, क्या लिखना है, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म लिखना हो जाएगा। एडमिशन फॉर्म इसको भी क्या करेंगे, पतला कर देंगे, ठीक, पतला करिए, हो जाएगा, ओके कर दिए, आ गया,
डबल बार क्लिक करिए, टेक्स्ट वेरी प्रिंट करिए, स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। इतना कर लेंगे, बोलिए इतना कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, फटाफट कमेंट करिए। इतना कर लेंगे अगर तो कमेंट करिए, थम्स दीजिए हमको, कौन कौन कर लेगा, जितने लोग इस समय लाइव हैं सब लोग एक बार कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए करिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और लोग जल्दी करिए, कमेंट तो करिए जितने लोग लाइव हैं, कम से कम हम भी जाने कि सब लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो दूसरे तरीके से बताएंगे। ठीक, हो जाएगा सबका। चलिए इस पे भी कलर हम लगा देते हैं, इस पे भी कलर लगा दीजिए, फिल करिए, कोई भी कलर डाल दीजिए, हो जाएगा। और इसको क्या करिए, हो जाएगा सबका इतना। ठीक, कर लेंगे इतना, चलिए कर लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको सीरियल वाइज लिखना है। क्या लिखना है, पहले सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, बोलिए सबसे पहले क्या रहेगा, एडमिशन, क्या रहेगा, एडमिशन एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर क्या रहेगा, एडमिशन नंबर, जैसे होता है ना कि कितने नंबर पे, 2, 3, 4 चौथा नंबर इनका है, ये रहता है। ठीक है, इसको करने के बाद क्या करिए, आप पॉइंट लगा दीजिए, लग जाएगा इतना, इसी प्रकार रहता है। ठीक, अभी थोड़ा स्टाइल इसका चेंज करते हैं, बोल्ड वोल्ड करते हैं, जहां जरूरी रहेगा पहले कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करना है, एडमिशन फॉर किस चीज के लिए आप एडमिशन करवा रहे हैं, कौन सा कोर्स है या, ठीक है, एडमिशन फॉर ठीक, इंटर करिए। अब क्या करना है, अब लिखना रहेगा स्टूडेंट नेम, क्या लिखना है, स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। ठीक, कर लेंगे सब इतना। अब लिखना है फादर नेम, फादर नेम। ठीक है, क्या लिखना है, फादर नेम लिखिए, फटाफट लिखिए, जल्दी जल्दी आप लोग भी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, सब लोग बनाइए। ठीक, सब लोग जल्दी जल्दी क्रिएट करिए, जिसके पास लैपटॉप हो या नहीं हो लैपटॉप तो अपने मोबाइल में या अपने कॉपी पे सब लोग लिखिए, एक बार इतना लिख लीजिए फटाफट, तो दोबारा एक बार थम्स दिखाइए, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इंटर करिए दोबारा। और क्या, परमानेंट एड्रेस, क्या लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, लिखिए फटाफट, तो परमानेंट एड्रेस क्या लिखना है, परमानेंट, परमानेंट एड्रेस लिखिए, लिखिए फटाफट, लिख लीजिए तो दोबारा थम्स दीजिए, दोबारा थम्स दीजिए, लिखिए। चलिए परमानेंट एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, एड्रेस। ठीक, अब लिख लेंगे इतना, देखिए पर एड्रेस तो थोड़ा बड़ा रहता है, सब लोग जानते हैं कि एड्रेस जो है हमारा क्या रहेगा, बड़ा में रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको 2-3 लाइन लेंगे, क्या लेंगे हम, 2-3 लाइन हमको लेना है, तो क्या करेंगे हम, दबाते रहिए जाता रहेगा, देखिए ठीक,
हो जाएगा इतना। चलिए रुक जाइए इसी पे। अब लिखिए पिन कोड, पिन कोड। पिन कोड ठीक, पिन कोड के बाद दोबारा वही चीज करेंगे, हो जाएगा इतना। सब लोग कर लेंगे ना, ठीक कर लेंगे इतना। चलिए इसके बाद अब क्या करना है, जेंडर, जेंडर डालना, क्या जेंडर, ठीक जेंडर में क्या लिखना है, ठीक है जेंडर में, देखिए जेंडर में क्या करिए, स्पेस ले। अब जेंडर में आप क्या है, ठीक ठीक है, अब फीमेल कर दीजिए, क्या करिए फीमेल लिखिए फटाफट इतना, तो कमेंट करिए तुरंत, लिख के तुरंत कमेंट हमको चाहिए, तुरंत कमेंट करिए इतना लिख के, थम्स दिखाइए, अगर सबका हो जाए तो इतने पे थम्स दिखाइएगा, फीमेल लिखिए, ठीक इतना लिख लेंगे, सब लोग लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे बताइए, हो जाएगा सब लोगों का, ठीक। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक इसके आगे अब करते हैं हमको क्या, डेट लिखना रहेगा, थोड़ा पेज नीचे छोड़ देंगे दो चार लाइन इस पेज, ठीक है इंटर दबाते रहेंगे तो क्या होगा, एक लाइन छोड़ के लिखता है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। होने के बाद अब क्या करना हमको है, डेट, डेट ठीक है, क्या लिखेंगे डेट, हो जाएगा डेट। चलिए देखिए स्पेस कर देंगे, हो गया ठीक। अब देखिए आगे, देखिए क्या करना है आगे, अब लिखना है सिग्नेचर, क्या सिग्नेचर, क्या लिखना है सिग, इतना समझ में आया कि नहीं सबको, बोलिए आ गया ना, कोई दिक्कत, ठीक है आना भी नहीं चाहिए, आए तो कमेंट करिए, सिग्नेचर लिख लेंगे, ठीक है क्या लिख लेंगे सिग्नेचर, एक ही लाइन में रहेगा, अगर ज्यादा होता तो इसको पीछे कर दीजिए थोड़ा, और क्या करिए स्पेस दोबारा वही कर दीजिए, ठीक इतना लिख लेंगे सब लोग, बोले कमेंट करिए दोबारा, हो जाएगा ना इतना। चलिए इसके बाद क्या करना है ये जानते हैं, इतना करने के बाद अब हमको एक चीज आप लोग भूल रहे हैं, बताइए क्या भूल रहे हैं, इसमें हम लोग फोटो भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं फोटो लगाते हैं, फोटो लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये जानते हैं, अगर हमको कोई फोटो इसमें डालना है तो क्या करेंगे, पूछ लिया अगर एग्जामिनर कि आप इसमें एक फोटो भी लगाइए तो कैसे लगाएंगे बताइए, कैसे लगाएंगे। चलिए इंसर्ट पे जाएंगे और शेप्स पे, ठीक और एक क्या लेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को यहाँ पे आप ड्रा कर दीजिए, स्क्रेच कर दीजिए, साइज बड़ी कर दीजिए, ठीक है इसी में हम क्या करेंगे अपना एक फोटो लगाएंगे, क्या लगाएंगे फोटो लगा देंगे सब लोग, इसमें फोटो भी लग जाएगा, बोले कमेंट करिए जल्दी जल्दी फोटो भी लगा देंगे कि नहीं लगा सकते फोटो, आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि फोटो लगा पाएंगे या नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए फोटो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, कमेंट करिए जल्दी जल्दी कि फोटो लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे ये बताइए हमको आप लोग। चलिए ठीक है सब लोग कमेंट कर रहे हैं लग जाएगा, नहीं लगेगा तो इस पे क्या करेंगे हम डबल बार क्लिक करेंगे और किधर जाएंगे सिर्फ फिल्म में और पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, अगर पिक्चर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसमें क्या करिए मंगा लीजिए, इसमें तो कोई पिक्चर है दिख नहीं रहा, कोई पिक्चर या कोई फोटो नहीं इसमें, ठीक है उसी पे क्लिक करके इंटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो हमारा फोटो आ जाएगा। अच्छा ठीक है बता रहे हैं, देखिए कमेंट आ रहा है कि बता भी दीजिए, देखिए देखिए क्या करना है, कोई भी फोटो ले लीजिए, फोटो
चलिए कोई भी फोटो ले लीजिए, पासपोर्ट साइज। पासपोर्ट साइज लीजिए ना, ठीक। इमेज पे जाइए और क्या करिए, इन्हीं भैया को ले लीजिए, दो इन्हीं साहब को लीजिए, ठीक। और क्या करिए, सेव एज इमेज, सेव करिए डेस्कटॉप पे। कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे सेव करिए, ठीक। डेस्कटॉप पे क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। आ जाइए, सेव हो गए। अब दोबारा क्या करिए, ओपन करिए वर्ड को, ठीक। वर्ड को ओपन करने के बाद क्या करना है, शेयर फाइल, पिक्चर, गो टू डेस्कटॉप, गो टू डेस्कटॉप एंड इंसर्ट। हो गया, हो जाएगा। अच्छा, दोबारा एक बार देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। समझ में नहीं आया होगा अगर तो दोबारा देखते हैं, अब की बार आ जाना चाहिए सबको लेकिन समझ में, ठीक है। चलिए दोबारा देखते हैं कैसे होगा। दोबारा क्या करेंगे, इस फोटो पे दो बार क्लिक करेंगे, दो बार क्लिक करेंगे तो कुछ हमारा मेनू ओपन होगा, क्या फॉर्मेट का, ठीक है। क्या ओपन होगा, फॉर्मेट का मेनू ओपन होगा, ठीक है। फॉर्मेट का मेनू होने के बाद क्या करेंगे, पिक्चर, पिक्चर पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, अपने डेस्कटॉप के पे आएंगे। डेस्कटॉप पे आने के बाद हम जो हमारा डाउनलोड किए रहेंगे उसी को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करा देंगे। भैया समझ में आ रहा ना सबको, ठीक, इंसर्ट करा दीजिए। हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें लगता है, नहीं आशा है। देखिए अब अगर इनकी साइज छोटी बड़ी करनी है तो ये हम एक बार इसके पहले क्लास में ये सब चीज बता चुके हैं कि कहाँ से साइज छोटी करनी है, कहाँ से साइज बड़ी करनी है। अगर नहीं देखे होंगे आप लोग तो दोबारा पुराना वीडियो देख लीजिएगा, ठीक, चला हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है ये देखते हैं। इतना चीज तो सब लोग कर लेंगे, अब हमें आशा है इतना कर लेंगे कि नहीं, कमेंट करिए या थम्स भेजिए जल्दी जल्दी कि कर लेंगे कि नहीं, जल्दी जल्दी करिए। चलिए ठीक है, सबका अब कमेंट आ रहा कि हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे कहां, पेज लेआउट पे। कहां जाएंगे, पेज लेआउट। पेज लेआउट पे जाने के बाद हम क्या लगाएंगे, वाटर मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाटर मार्क। देखिए पेज लेआउट पे गए मेनू में, उसके बाद वाटर मार्क, वाटर मार्क के बाद कस्टम वाटर मार्क जाएंगे। कहां पे, कस्टम वाटर मार्क क्लिक करिए। देखिए अभी ओपन होगा कुछ अच्छा सा। जैसे हम कोई पेपर देने जाते हैं तो क्या होता है, उसके बैकग्राउंड पे लगा रहता है इस प्रकार से कि नहीं, देखिए लगा है, ठीक। चलिए लगाया जाए इसको, चलते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट से वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क, और क्लिक करते हैं टेक्स्ट वाटर मार्क। टेक्स्ट वाटर मार्क के बाद क्लिक करेंगे किस पे, टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखना है लिख दीजिए, यूनिक, और अप्लाई, ओके, आ गया, ठीक। अगर हमको वाटर मार्क में पीछे टेक्स्ट नहीं लगाना है, ठीक, हमको लगाना है पिक्चर, कोई कोई फोटो लगाना है तो कैसे लगाएंगे, कमेंट करिए दोबारा एक बार जोरदार कमेंट करिए सब लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए वाटर मार्क वही खोलेंगे, कस्टम वाटर मार्क, पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक कर देंगे और पिक्चर ले लेंगे और अप्लाई कर देंगे। देखिए लग गए भाई साहब पीछे, ठीक है, पीछे लग रहे हैं वॉलपेपर के, किसी के पीछे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, ठीक। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, कमेंट तो करिए। चलिए हो जाएगा ना, ठीक, ओके ओके,
ठीक, अब हमको लगाना है पेज का बॉर्डर। क्या लगाना है? पेज बॉर्डर अगर लगाना रहेगा तो कैसे लगाएंगे बताइए। पेज बॉर्डर अगर लगाना है तो क्या करेंगे हम? ठीक, अगर हमको पेज का बॉर्डर लगाना है तो क्या करेंगे भाई साहब? आप सब एक बार कमेंट तो करिए कैसे लगाएंगे। वही चीज करना है, जाना हमको कहाँ है? पेज लेआउट में। पेज लेआउट पे जाने के बाद पेज बॉर्डर दिया है, क्लिक करेंगे पेज बॉर्डर पे। जो पेज हमको जो बॉर्डर लेना है, जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के इसमें ऑप्शन द्वारा दिए हैं, क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। आ गया बॉर्डर, थोड़ा ये ऊपर हो गया, तो इनको क्या करिए सबको एक एक बारी करके और नीचे कर दीजिए। अभी बताया ना, ठीक, सबको क्या करिए नीचे कर दीजिए। ठीक है, इनको भी नीचे करिए। ठीक, इनको भी भाई साहब को भी नीचे करिए। ठीक, हो जाएगा। अब देखिए, एक ये हमारा किस में हो जाएगा, एक ये बॉर्डर है, एक बॉर्डर में ये हमारा है। इसी प्रकार हमारा क्या होता है, एडमिशन फॉर्म मिलता है। ठीक, और भी इसमें लिखना रहता है, ठीक है, कि और भी लिख सकते हैं इसमें, ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, सब कुछ कैसे लिख सकते हैं अभी बताए हैं। सब लोग एक बार प्रयास करिएगा, नहीं होगा तो दोबारा पूछिएगा। चलिए आते हैं एक बार क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या पूछा था देखिए। हो जाएगा इतना, इसके बाद क्या दिया है बताइए, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, सब कुछ हो जाएगा इसके बाद। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा एक और भी कुछ कर देते हैं, स्टाइल इसकी चेंज करते हैं, जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा आपको। चलिए अभी हम क्या करते हैं, एडमिशन फॉर्म को बोल्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? बोल्ड कर देते हैं, और एडमिशन फॉर्म की स्टाइल को भी फॉन्ट नेम से चेंज कर देते हैं। हो गया, कैसा लग रहा? कमेंट करिए कैसा लगा, मजाक नहीं। चलिए अब सबको क्या करिए, सेलेक्ट कर दीजिए। सबको क्या करना है, बारी बारी से सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सबको बारी एक एक करके सेलेक्ट कर देंगे कि नहीं कर देंगे ये बताइए हमको। ठीक, ठीक है, पिन कोड को भी करते हैं। ठीक ना, सिग्नेचर भी करते हैं। हो जाएगा इतना, कमेंट बोलिए इतना हो जाएगा ना सबका, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए इसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें भी सब कुछ चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे? सबका स्टाइल स्टाइल वगैरह चेंज कर देंगे। ठीक, अगर कलर में करना रहेगा तो कलर बताए हैं कहाँ से कलर लगता है, हम कलर भी लगा सकते हैं। ठीक, कैसा लग रहा है ये बताइए, कमेंट करिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा कि नहीं, बना लेंगे कि नहीं ये भी कमेंट करिएगा। और कैसा लग रहा है ये भी बताइए, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि कैसा लग रहा है, बना लेंगे। ठीक है, ठीक बन जाएगा। ठीक है, और लोग बताइए बन जाएगा कि नहीं, और लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, जल्दी करिए। ठीक, हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास इतनी ही रहेगी, कल फिर दोबारा इसके आगे से क्लास चलेगी। ठीक, एक्सेल, कल एक्सेल के बारे में और भी बताएंगे, और भी क्वेश्चन लाएंगे जो आपका प्रैक्टिकल में हो चुका है, कई बार आपका प्रैक्टिकल हो चुका है। ठीक है, प्रैक्टिकल में जो जो क्वेश्चन आता है वही वही हम यहाँ पे बताते हैं। और कल की भी क्लास बहुत अच्छी, बहुत शानदार कल क्लास रहेगी। कल आप सब लोग ज्वाइन होइएगा, जरूर से जरूर होइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जो भी ओ लेवल का प्रैक्टिकल जिसका भी होगा सबको शेयर करिएगा, शेयर करना भूलिएगा मत। जय हिंद।